जयपुर के सेंट सोल्जर पीजी कॉलेज में ओरिएंटेशन डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रोफेसर विजय लक्ष्मी शर्मा मुख्य अतिथि रही, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण में बालिका शिक्षा की भूमिका विषय पर व्याख्यान दिया। महाविद्यालय की प्राचार्य शुभा शर्मा ने बताया कि कॉलेज में 2 दिवसीय ओरिएंटेशन डे कार्यक्रम अभी ज्ञानोदय थीम पर मनाया जा रहा है, जिसमें पहले दिन फ्रेशर्स का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इसके अलावा कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर शुभारंभ भी किया गया। ऐसे में बुधवार को हिंदी दिवस पर भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यही है कि हम बालिकाओं के हित का सर्वांगीण विकास कर सकें। इसमें हमने अभी जो बहुत सारे क्लब इनॉग्रेट किए हैं, जिसका संबंध केवल और केवल लाइफ स्किल्स और वैल्यू एजुकेशन से है, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का स्लोगन है, जिसमें हम बच्चियों को व्यावसायिक शिक्षण दे सकें, उनकी टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट कर सकें। ओरिएंटेशन डे के मनाया गया है, और सर मेरा मैसेज इतना ही है इसमें, जो कि जब भी ये यहाँ कॉलेज में जो सेंसल कॉलेज फॉर गर्ल्स है, जब भी मैं प्रोग्राम होता है तो मैं एक बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, और मैं एक चीज़ की बड़ी कमी महसूस करता हूँ, और उसी चीज़ को दूर करने के लिए हमने सेंसल कॉलेज फॉर गर्ल्स ये बच्चियों के लिए बनाया गया है, जिसमें 450 बच्ची हैं, सब धर्मों की बच्ची हैं। सिर्फ मेरी इच्छा रहती है बच्चियों को एक एजुकेशन हो, जो कि हमारे यहाँ भी बहुत बड़ी कमी है।